विधि व्यवस्था का जायजा लेने डीआईजी शंभु ठाकुर जमशेदपुर पहुंचे, उन्हें विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। विधि व्यवस्था का जायजा लेने और समीक्षात्मक बैठक के लिए डीआईजी शंभु ठाकुर जमशेदपुर पहुंचे। एसएसपी ऑफिस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। बैठक में एसएसपी, सिटी एसपी, सभी जीएसपी एवं सभी थानों के थानेदार उपस्थित थे। डीआईजी ने सभी को विधि व्यवस्था कायम रखने की चेतावनी दी और पुलिस की कार्रवाई पर आम लोगों को भरोसा हो ऐसा काम करने की सलाह दी और केसों को जल्द से जल्द निपटा लेने की बातें भी कही। आने वाले मुहर्रम और दुर्गा पूजा की समीक्षा के लिए बुलाया था। सभी पदाधिकारियों को निष्पादित कांडों के निष्पादन के निर्देश दिया गया, विधि व्यवस्था संधान के निर्देश दिए गए, कम्युनल हारमोनी बनाए रखने के निर्देश दिया गया, उनके कार्यों की समीक्षा नीचे करना लेते हैं और कार्यों की समीक्षा की। तीन सक्रिय तो पहले से भी थे और सक्रिय उनकी सक्रियता को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कम किया है। पुलिस का मूवमेंट बड़ा है, हम लोग इनकाउंटर्स भी किए हैं, ये दो महीने में तीन तीन इनकाउंटर्स किए हैं, काफ़ी रिकवरी भी हुई है, कुछ लोग सरेंडर भी किए हैं जो आप लोगों के नॉलेज में भी है, मेरे सब अच्छी सरेंडर किए। उनकी गतिविधि कम होगी और उस पर हम लोगों का प्रयास काफ़ी सफल रहा है, आगे भी हम प्रयास करते हैं। कोल्हान स्तरीय एंटी करप्शन ब्यूरो का उद्घाटन सोनारी में हुआ। एसपी स्पेशल ब्रांच आलोक कुमार ने इसका उद्घाटन किया। थाना प्रभारी के रूप में यहां डीएसपी अमर पांडे योगदान देंगे। कोल्हान स्तरीय एंटी करप्शन ब्यूरो का उद्घाटन सोनारी थाना परिसर में हुआ। एसपी स्पेशल ब्रांच आलोक कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का उद्घाटन फीता काट कर व नारियल फोड़ कर किया। यहां से सोनारी थाने को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। यहां थाना प्रभारी के रूप में डीएसपी अमर पांडे योगदान देंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के सोनारी में खुल जाने से आम लोगों को भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की शिकायत करने में काफी सहूलियत हो जाएगी। कोशान जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का खुला है, ये विशेषकर तीन जिलों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ध्येय से खोला गया है सरकार के स्तर से, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला तथा पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा जिले। इसकी शुरुआत आज की तिथि से हो रही है। थाना के भी आज से इसके स्थापित कर दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक अमर पांडे तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसलिए इन तीन जिलों में जिन लोगों को भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हैं, वे निश्चित रूप से यहां पर आकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की। चरको थाना अंतर्गत राधिका नगर में मानवता को शर्मसार करने वाला लोमहर्षक एक घटना घटित हुई, जहां 60 वर्षीय अधेड़ ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया है। बताया जाता है कि किशोरी व अधेड़ व्यक्ति दोनों ही राधिका नगर में आस पड़ोस में ही रहते थे। 2 माह पूर्व अधेड़ व्यक्ति ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। बीते दिनों अधेड़ व्यक्ति ने किशोरी के घर वालों को बहला फुसला कर किशोरी को घाटशिला ले जाने की बातें कही और घर से लेकर उसे निकला। अब इन दोनों का ही कहीं अता पता नहीं है। इस मामले को लेकर किशोरी के परिजनों ने स्थानीय लोगों और क्षेत्र के मुखिया के साथ चिल्को थाने में प्रदर्शन किया। पश्चिमी घोड़ाबंदा ग्राम पंचायत में आज एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और जिस बलात्कार में अभियुक्त ने उस लड़की को लेकर ही चला गया है, शायद गर्भपात की कराने के उद्देश्य से लेके गया है या किसी अन्य कारण से, जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक वो फरार है। किस क्षेत्र का मामला है ये? खड़ंगाझार राधिका नगर का मामला है, पश्चिमी घोड़ाबंदा ग्राम पंचायत। तुम क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग गांव वाले और कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। सहारा इंडिया के वैसे कार्यकर्ताओं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट उत्पादकता के साथ बेहतर आय प्राप्त कर पूरे संस्था स्तर पर रांची जोन को अव्वल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदपुर रीजन के वैसे कार्यकर्ताओं एवं उनके परिजनों को स्थानीय टाउन हॉल में सम्मानित किया गया। रांची जोन के अंतर्गत पड़ने वाले सभी कार्यालयों के कार्यकर्ताओं एवं
अति उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं के परिजनों को सम्मानित करने के अभियान के तहत मंगलवार एवं बुधवार को जमशेदपुर में उक्त सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अपने कार्यालय के प्रतिनिधियों से सम्मान पाकर परिजन की आंखों में खुशी के आंसू भी देखे गए। वहीं रांची जोन प्रमुख इनके पॉल ने सभी के परिजनों को शॉल एवं कार्यकर्ताओं को सहारा श्री द्वारा हस्ताक्षरित बैच लगाकर सम्मानित किया।